स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छकार समाज में ऐसे व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व की आवाज आती है समाज की, जो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, वह चाहे इस समुदाय से हो या समुदाय के बाहर हो। लेकिन जो स्वच्छकार समाज की जातियां हैं, उन जातियों के बीच में जो काम करते हैं, हम उनसे हमारा प्रयास रहता है कि उनके कामों को, उनके व्यक्तित्व को समाज के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से लेके आए। स्वच्छकार समाज जैसे कि लगातार बातचीत करता आ रहा है, आपने बहुत सारे हमारे पिछले इंटरव्यूज भी देखे होंगे जिसमें हमने महिलाओं की भी सीरीज की, डिबेट पैनल डिस्कशन भी हमने किया, साहित्य पर भी हमने चर्चा की। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं बिहार से, पटना से विष्णुदेव जी। विष्णुदेव जी, मैं स्वच्छकार समाज की आवाज में आपको जय भीम बोलती हूँ, नमस्कार बोलती हूँ, आपका स्वागत है। आप अपने परिचय से शुरुआत करें, हालांकि मैंने नाम बता दिया, लेकिन विस्तार से आप परिचय हमारे तमाम जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनके बारे में, उनके सामने आप अपना परिचय विस्तार से बताएं। जी जी विष्णु जी। जी, मेरा नाम विष्णुदेव है, मैं वर्तमान में पटना से हूँ और मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे और वहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब देखा है उनको, अभी मेरे परिवार में पिताजी तो नहीं रहे हैं, माताजी हैं जो 80 प्लस के ऊपर हैं और अपने भाई हैं एक, और वो भी पटने में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, और हमारे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है जो डॉक्टर है, 2 बेटे इंजीनियर हैं। मैं बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, स्टेट बैंक से। अब रिटायर पटना में ही है, प्रॉपर पटना से ही है या कहाँ से आप पटना में ही रहते हैं? जी, मैं ऐसे, मेरा जन्म मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, लेकिन पटना में करीब विगत 20 साल से रह रहा हूँ, 20 वर्ष से ऊपर से रह रहा हूँ, 25 वर्ष। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि माँ बाप दोनों ही, मतलब जैसे फादर सफाई कर्मचारी थे, तो मुजफ्फरपुर से पटना में आ गए थे कैसे, मतलब या फिर? नहीं, वो लोग अपने घर पर ही रहे, देहात में ही रहे, पिताजी रेलवे में थे, माता जी गाँव में थी, वो भी मतलब कि मोहल्लों में, मतलब कि जो देहात का मोहल्ला होता है, बड़े लोगों का घर, वहाँ वो साफ सफाई पे, मतलब कि जो है गंदगी साफ किया करती थी। और इस तरह हम लोगों का बड़ा लंबा परिवार था, 5 भाई बहन थे हम, मेरी दादी थी और मेरे चाचा, ये सब सब बेरोजगार थे, पिताजी सिर्फ एक काम करने वाले थे, तो इसलिए माँ को घर का खर्चा उतना नहीं पूरा पाता था, तो उसको चलाने के लिए वो वहाँ काम करती थी, उससे कुछ जो आता था उससे हम लोगों का भी भरण पोषण हुआ था, मिला जुला के चलते। बहुत बढ़िया, आपने जिस तरीके से कहा है कि बेटी डॉक्टर है, बेटे इंजीनियर है, हमारा सुन के ही हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बाप की मेहनत का नतीजा है जो आज इस समय हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वही सफाई कर्मचारी का परिवार किस तरीके से तरक्की करता है, ये तमाम दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी पहली पीढ़ी को बहुत दुख झेलने पड़े हैं, उन्होंने सफाई काम से लेके तमाम हमारे जो दलित वर्ग, जो वंचित समाज है, बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। अब जाके तीसरी पीढ़ी हमें परिवर्तित होती दिखाई देती है। हम अपने आपके माँ बाप को, जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको भी पढ़ाया, आप आगे बच्चे भी तीसरी पीढ़ी में बहुत समर्थ हैं, मैं सल्यूट करती हूँ सफाई कर्मचारी के काम को करते हुए, कैसे उन्होंने आपको भी इतने बड़े पद तक पहुँचाया और 5 बच्चों का पालन पोषण किया होगा, हम समझ सकते हैं। इस तरीके से माँ बाप दूसरों के घरों में जाकर भी बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, वो काम ना करें जो हमारे बच्चों ने किया। तो विष्णु जी, आप मुझे ये बताइए कि कहाँ तक आपने फिर शिक्षा ली, कैसे ली, कहाँ तक ली? माँ बाप ने तो आपको बता ही दिया कि कितना बड़ा योगदान, हम उनको प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया होगा, आपके बिना बोले ही मैं वैसे ही समझ पा रही हूँ कि बहुत मेहनत की है। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि
सत्तर के 60-70 के मतलब कि दशक में, मतलब 65-66 ईस्वी वगैरह में मैंने पढ़ना शुरू किया, लेट से पढ़ा। और उस समय मेरे पिताजी को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जिससे वो पूरा बच्चों को पढ़ा सकते, तो उन्होंने, चूंकि हम घर में सबसे बड़े थे इसलिए उन्होंने मुझ पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने साथ रखे जहाँ जहाँ गए। और वो रेलवे में काम करते थे और रेलवे स्कूल में ही मुझे पढ़ाते थे। तो पढ़ाने का ये सिलसिला था कि मेरे पिताजी के पास, वो जब हम 2-3 कक्षा आगे चले गए, 4th-5th में गए, तो बगल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ते थे, इंग्लिश उंग्लिश ABCD ये सब कुछ। तो हमने उनको कहा कि हमको भी पढ़ना है, तो उन्होंने कहा कि पूछो कितना फीस लेते हैं। तो उस समय 3 रुपये फीस लिया करते, तो इंग्लिश और मैथ पढ़ाते थे। हमने कहा पिताजी वो तो 3 रुपया मांग रहा है। बोला कि बाबू अभी हम नहीं दे पाते हैं, दे पाएंगे, आप अपने से पढ़ो। तो मेरे पास ये तंगी रही, फिर भी मैंने किसी तरह से हाई स्कूल, उस समय 11th तक की हाई स्कूल होती थी, तो हाई स्कूल पास किया रेलवे ही स्कूल से। फिर मुजफ्फरपुर से इंटर किया। BA में जब गया तो जिस डेट में मेरा फाइनल एग्जाम था, एक पेपर था, उसी डेट में मेरा SBI का इंटरव्यू का भी डेट पड़ गया। तो मैंने ये डिसीजन लिया पूरे देखते हुए कि क्या करूं, तो डिसीजन लिया कि मुझे इंटरव्यू में जाना है, पढ़ाई फिर कर लेंगे बाद में। इंटरव्यू में गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरी BA का रिजल्ट खराब हो गया। तो फिर मैं जब नौकरी में आया तो मैंने फिर उसको BA पास किया, 2-4 साल बाद पास किया। तो ये मैं BA तक ही पढ़ा हूँ। और उसके बाद बैंक में बहुत जगह ट्रांसफर होते रहा, जगह यहाँ कभी इधर कभी उधर, अभी वर्तमान में झारखंड में भी ट्रांसफर था। फिर बहुत जगह ट्रांसफर होने के कारण पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दिया, इच्छा तो थी लेकिन नहीं दी। BA तक तो कठिनाई बहुत थी हमारे साथ, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये सब। तो अब बच्चे के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया कि भाई अब हमारा पढ़ाई वढ़ाई हो गया, अब जो है ईमानदारी से ड्यूटी करो और अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाओ लिखाओ, इस पर मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। जी तो जी विष्णु जी, आपने फिर ग्रेजुएशन तक की, आप किस पद से फिर रिटायर हुए, वहां तक पहुंचने का सफर आपने कैसे? जी मैं तो क्लर्कल जॉब से ही शुरुआत की थी, क्लर्क से, फिर धीरे धीरे प्रमोशन हुआ और फिर मैनेजर के पद से रिटायर कर गया 2018 में। जी कौन सा विभाग था आपका, एक बार थोड़ा सा ऊंची, आपकी आवाज भी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना। जी जी तो वैसा है, मैं भारतीय स्टेट बैंक में ज्वाइन किया था जी। और हाँ वो भारतीय स्टेट बैंक पटने से रिटायर किया, लास्ट में पटना में पोस्टिंग हुई, वहीं से रिटायर कर गए। जी तो एक तरह से आपने मतलब मैनेजर के पद से रिटायरमेंट ली। और जी, जी। आपका दूसरे भाई, थोड़े से जो 5 आपने भाई बताए, परिवार इतना बड़ा परिवार था एक तरह से, वो क्या करते हैं, या वो पढ़ाई लिखाई उनकी हो पाई या सिर्फ आप ही पढ़े? वो उनको भी मैंने पढ़ाना, मैं जब आया नौकरी में तो फिर उनके ऊपर भी ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा ग्रामीण वातावरण के कारण वो इंटर तक ही पढ़ सके। अभी फिलहाल में वो प्राइवेट जॉब करते हैं, पटने में ही रहते हैं, यही है उनका भी। बच्चे 3 बच्चियां थी, उनका भी शादी में हमने योगदान दिया सब। आपको ये पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जबकि माँ बाप तो सफाई कर्मचारी थे, कैसे आपको लगा कि आपको पढ़ना चाहिए ये काम आपको?
जी ऐसा है, वाकया ऐसा है कि मैं जब पिताजी के साथ गया तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पर उनकी नौकरी थी, तो वो प्लेटफार्म की सफाई के साथ साथ रेलवे लाइन में जो गंदगी होती थी उसको भी साफ किया करते, और मेरा क्वार्टर और स्कूल दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, बीच में रेलवे स्टेशन आता, तो मैं इधर से उधर जाया करता था, आया करता था स्कूल के क्रम में, तो मैं देखा करता था, तो मुझे भीतर से ग्लानी महसूस होती थी कि पिताजी कितने गंदे काम करते हैं। ऐसे मन में बच्चों को जिस तरह से ये आता है, मन में भाव होता है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है, और मैं मन में ठान लिया कि मैं पढ़ूंगा, तो कुछ बड़ा मैट्रिक उट्रिक पास कर गया, तो बहुत लोग कहे पिताजी को कि अब कहीं इसको पढ़ने के आगे क्या जरूरत है, तुम लोग तो उस समय हरिजन शब्द थोड़ा प्रचलित था, हरिजन से ही संबोधित किया जाता था कि तुम लोग तो हरिजन वर्ग के हो, तुम लोग को कहीं नौकरी मिली जाएगी, तो पहले पढ़ाने लिखाने का, तो उनको बरगलाने का काम किया, मुझे भी बरगलाने का काम किया, मतलब मैं बोला कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो वो प्रेरणा मुझे मिली कि मैं देखकर मुझे ग्लानी हुई। तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि जब हम उस जाति से हैं, स्वच्छकार समाज से हैं, और जब हमें इतनी ग्लानी होती है तो और लोग देखते होंगे तो उनको भी बहुत घृणा होती होगी, और उनके हम लोगों के प्रति उनके मन में यही घृणित भाव पैदा होता होगा, तो ये तो बात है, कहीं ना कहीं से छुआछूत इस ग्लानी के भाव से पैदा होती है, आपको ये लगता है? जी जी जी, ये तो समाज में एक मानसिकता बनी हुई है, सामाजिक मानसिकता है जो हजारों साल से, वो मानसिकता इतनी जल्दी खत्म नहीं हो, और नहीं अभी तो आसार नहीं है, एक आध सौ साल तक नहीं होने वाली। तो मेरा अपना मानना है कि हम और हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें छुआछूत भेदभाव है ना, और बहुत तरह से प्रताड़ित करने की का कोशिश किया गया। तो एक घटना आपको बताते हैं, मैं रेलवे सब्सिडाइज्ड हॉस्टल मुजफ्फरपुर में दाखिला लिया था, जो रेलवे के स्टाफ के बच्चों के लिए ही वो संचालित, तो मैं वहीं पढ़ रहा था, इंटर में नाम लिखाया था, तो कहने का मतलब कि जब उसमें मैं पहला आदमी था जिसका जो हरिजन मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग पहले आदमी थे जो उसमें गए, इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, और वहाँ के जो लड़के थे वो कहे कि नहीं ये नहीं रहेगा इस हॉस्टल में, आज तक कोई नहीं रहा, और पहले भी किसी का नामांकन हुआ करता था तो वो डर से भाग जाता था, वहाँ नहीं जाता, लेकिन कुछ हमारे मित्र थे जो हमारे ही स्कूल के पहले पढ़े लिखे थे और हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं वहाँ रहा। उसमें उन लोगों के बीच में आपस में दो ग्रुप थे, दो ग्रुप में मारपीट भी हुआ, कई बार हुआ मेरे कारण, तो मुझे ये सब झेलना पड़ा और मुझे बहुत डर डर के उसमें रहना पड़ता। तो ये तो है छुआछूत भेदभाव, मैंने देखा, और भी कई घटनाएं हैं, एक छोटी सी घटना आपको बताएं। तो आप सर मैनेजर के पद तक पहुंचे, जाहिर सी बात है लोगों को ये जानकारी तो होगी कि आप स्वच्छकार समाज से आते हैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल, हमारा सोशल जी में हमारा सोशल कनेक्शन हमेशा रहा, जहां भी रहे हैं, बैंक में भी रहे हैं, तो अपने आप को मैंने ये कह के मतलब सब जानता है, बैंक में तो सर्विस सीट रहता है, सर्विस सीट जाता है तो वहाँ के जो प्रभारी होते हैं उनको मालूम हो जाता है कि कौन जाति है, उसमें जाति स्पष्ट लिखा रहता है, सर्टिफिकेट रहता है जाति प्रमाण पत्र। तो जो ऐसा सिस्टम है कि जब आप कहीं ट्रांसफर होके जाते हैं तो आपके आपसे पहले वहाँ के लोगों को मालूम हो जाता है कि वो कौन जाति के आ रहे हैं, किसके लोग हैं, कैसे हैं, ये सब, तो
इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। हमको तो अभी लास्ट टाइम 2019 में इलेक्शन लड़ा था पटना साहिब से, तो एक वकील ठीक किया था, एक मित्र ने कहा कि ये फलाना वकील हैं, ये आपको बढ़िया से फाइलिंग करा देंगे। हम लेकिन ठीक, तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने पहला क्वेश्चन किया कि भाई देखो मैं मेहतर जात का हूँ, भंगी जात का हूँ, हाँ तुम कौन जात के हो? तो वो ये हो गया, बोला कि सर आप हमसे पूछ रहे हो। हम लगे हाँ, क्योंकि मेरा आपसे अच्छी बना रहे, ट्यूनिंग बना रहे, इसलिए जानना जरूरी है। तो उसने कहा कि हम कुर्मी जात के हैं। तो हम बोले कि ठीक है, भूमियार नहीं ना हो भाई, तो ब्राह्मण नहीं ना हो? तो बोला कि नहीं। हम बोले तब ठीक है, मैं तुम्ही से फाइल करवाऊंगा। जी सर, कई बार भूमियार या इससे हम जाति विशेष की बजाय तो हमें एक तरह से मानसिकता जो है उसके का विरोध हम करते हैं। बेसिकली सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आप मैनेजर के पद तक पहुंचे, ऐसा कोई अनुभव हुआ फिर आपको? जाहिर सी बात है कि लोगों को तो पता ही था कि आप किस वर्ग के मैनेजर हैं। ऐसे में कोई कोई ऐसा अनुभव आप जो साझा करना चाहें? जी ऐसा होता है कि ये तो मालूम हो जाता है कि ये फलाने जात से हैं, तो ये मतलब कि समाज में एक मानसिकता है, अगर कोई सवर्ण जात के रहेंगे तो उनसे कैसे बात करनी है, कोई और भी मतलब कि हम लोग के जाति से हैं या नीचे के कास्ट से हैं तो कैसे बात करनी है। तो वो लोग आते थे तो कभी रब ही बात कर लेते थे, तो हम उसको, अब क्योंकि हमारा तो जॉब था, मेरा पैसा था, मुझे वो ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको कूल एंड काम रहना है, तो हम लोग उसको पालन करते थे, उनको उसी तरफ उत्तर देते थे, प्रत्युत्तर देते थे, और इस तरह से अपना सेवा जारी रखा। वो सब कठिनाइयां आती थी, धौंस जमा कर ये करके, भाई आप मेरा काम पहले कीजिए, क्या किया जाए, उसी में एडजस्ट करके अपने आप को संभालते हुए, उनके गुस्सा को पीते हुए, ये हम लोगों को काम करना पड़ा। जी ये कह सकते हैं कि स्टेटस इनक्वालिटी भी है, स्टेटस इनक्वालिटी कि आप एक स्टेटस पे एक दूसरी वर्ग से आने वाला मैनेजर है, एक आप जैसे समाज से आने वाला मैनेजर है, तो दोनों की पोस्ट एक होते हुए भी मतलब किस तरीके से असमानता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, और जो स्वच्छकार समाज की तरफ से आता है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, एक तरह से स्टेटस इनक्वालिटी है। आप ये आपको बताया ना कि स्टेटस में, सेम स्टेटस में रहते हुए भी मानसिकता के कारण आपको मैनेजमेंट भी जो है कभी कभी आपसे उस तरह का व्यवहार कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए, गलती से हो जाता है। तो ये सब होती है, स्टेटस हमारा सेम है, दो आप मैनेजर बैठे हुए हैं, लेकिन हमसे जो लैंग्वेज या जो व्यवहार या जो ये जिस वॉइस में वो बात करते हैं वो अलग तरीके का होता है। तो ये तो अनुभव कर लिए हम लोग। आपने बताया कि आप समाज के साथ भी जुड़े रहे हैं, कैसे आप किसी खास संगठन में एक्टिव रहे या आप समाज के लोगों की कैसी स्थिति को देखते हैं, खासकर सफाई समुदाय से आने वाला समाज? जी ऐसा है कि जब तक पढ़ाई लिखाई का दौर था, तो जब हम पढ़ते थे मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ एक बगल का मोहल्ला था, अपना ही मोहल्ला, अपने स्वजातीय समाज, तो बच्चे लोग जब जाते थे तो दौड़ते धूपते रहते थे इधर उधर, तो वहाँ के एक दो आदमी से बात किए कि भाई ये लोग को स्कूल में डालते क्यों नहीं। जी जी। बोलता है कि सरकारी स्कूल में डालते हैं, वहाँ पर मतलब कि सरकारी जैसा ही व्यवहार होता है, कभी छुट्टी कर देता है, कभी पढ़ाता नहीं है, तो बच्चे इसी। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि शाम को हमको 2 घंटे का समय हम आपका लेंगे, आपके बच्चों का लेंगे, और मैं यहाँ पर फ्री ट्यूशन आपको दूंगा। तो बच्चों को सब हमारे पास वहीं उन्हीं के घर पर मैं जाता था, चाय वो पिलाते थे, और हम उनको 2 घंटे
बच्चों को पढ़ाते थे, तो कुछ बच्चे अच्छे निकल गए पढ़ लिख कर। हमको बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ बैंक में, कुछ LIC में, कुछ इस तरह से स्टेशन मास्टर बन गए, तो हमको बहुत खुशी हुई। इस तरह से वहाँ से जुड़ा। फिर जब नौकरी में आए तो अब खुलकर तो समाज की सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब रहा। तो ट्रांसफर के होने के कारण जहाँ भी मौका लगा कि हमको, या मालूम तो हो ही जाता था कि मेरे जात के लोग यहाँ आए हैं, लोग मिलने आते थे या हम उनके यहाँ जाते थे मिलने के लिए, चाय पीने के लिए, किसी भी बहाने। तो उनसे पूछ कर बहुत जगह लोगों को कि बैंक से संबंधित जो सेवा होती है या जो भी, वो मैंने जारी रखा, करते रहा। और जब ये क्रम हमेशा चलता रहा, और अब जब रिटायर हो गया तो लोकल पटना में लोगों से जुड़ा हूँ, और जो बल पड़ता है अपना सेवा देता हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर। मैं लास्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमारा समाज जो इतना पिछड़ा है, पीछे है अभी भी बहुत, लेकिन इसके बावजूद भी एक मोटिवेशन की तरह आपके व्यक्तित्व को देखा जाना चाहिए। क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ आपको देख के कि आप मैनेजर के पद तक पहुँच चुके हैं, आपके बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो समाज में कुछ, समाज उसको प्रेरणा के रूप में लेता है अपना समाज का? देखिए ऐसा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग से हमें प्रेरणा मिलती है और हमसे उनको प्रेरणा मिलती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अभी भी शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि हमको लगता है कि जो शिक्षा का अभी स्वरूप है, तो जो शिक्षा अभी है वो हम लोग के लायक नहीं है। इतना महंगा है जो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे परिवार समाज के लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो आदमी 5,000, 6,000, 7,000 रुपया में काम करता है, सुबह में झाड़ू लगाता है, नाली साफ करता है, गटर साफ करता है, वो 5,000 रुपया महीने में का ट्यूशन फीस कहाँ से दे पाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा का ये महंगाई, जो कहिए महंगाई जितना है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे बच्चे जो है, समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में किसी तरह से मैट्रिक आईए बीए करके फिर उसी रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग जो मतलब सर्विस में है या कुछ जिनकी आर्थिक हालात अच्छे हैं, वही उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। तो ये तो शिक्षा का आलम है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि उससे क्या परिवर्तन हुआ या क्या इसे, तो परिवर्तन करने का प्रयास हर आदमी करता है, हमारे समाज का शिक्षित होने का प्रयास करता है। शिक्षित तो हो जाता है लेकिन बेरोजगार ही है अभी, 99.9% लोग रोजगार है। ये मानने में जरा सा भी गुरेज नहीं करना चाहिए समाज। जो पहले पढ़ लिख लिए, चपरासी से बाबू बन गए या बाबू से कुछ और बच्चे बन गए, वो बन गए, अब नहीं होगी। जितना जिस तरह का शिक्षा भारत में दिया जा रहा है, हमारा तो अपना मानना है कि अब क्या बोल रहे हैं हम, आपको बता ही दिए कि 6,000, 7,000 कमाने वाला व्यक्ति, वो अपने बच्चे को 5,000 रुपया, 4,000 रुपया ट्यूशन फी कहाँ से दे पाएगा? तो वो पढ़ा लिखा कहाँ पढ़ाएगा? अपने सरकारी विद्यालय में, नगर निगम के स्कूल में, यही समय पढ़ा के अपने बच्चे को सोचेगा कि हम शिक्षित हो गए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता है। और जहाँ तक ये आपका दूसरा सवाल है कि वो प्रेरित हो रहे हैं या उससे आप प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन हम कहीं जहाँ भी जाते हैं पहले यही कहते हैं कि भाई अब आपके सामने तो ये प्रॉब्लम है कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, कम से कम समाज में जो सही गलत है उसका तो पहचान वो कर सकेंगे। तो यही है। अब हमसे कितना प्रेरित होते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास तो रहता है।
ये बात तो बिल्कुल सही है सर कि शिक्षा इतनी महंगी है, डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, हाई जो हायर एजुकेशन है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये भी मानते हैं कि अब दिनों दिन शिक्षा, क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य के जो जो कर्तव्य था, ड्यूटी थी कि वो अपने स्टेट में शिक्षा को सस्ती करे और स्टेट की जिम्मेदारी बने, स्टेट भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटके एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलता जा रहा है। खासकर हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि 2018 में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने 5 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस पहली पीढ़ी, एक तरह से कहेंगे आप जैसी पहली पीढ़ी एक तरह से कहेंगे जो स्कूल कॉलेजेस तक पहुंची, अगर अब एकदम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं तो हम वैसे भी एजुकेशन ले नहीं पाएंगे और खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन तो ले ही नहीं सकते। अब IIT में हो, आपका डॉक्टर्स हो, तमाम जितनी प्रोफेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उसमें तो हम एजुकेशन, और वो जिसमें फिर प्राइवेट भी हो जाए तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सर मैं ये आपसे एक तरह से सवाल और सुजेशन चाहती हूँ कि इसका क्या सलूशन हो, खासकर सफाई कर्मचारी वर्ग जो इतनी कम पे में, और अब तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जा रहा है, डे टू डे सफाई कर्मचारियों को जो पक्के होते थे उसको भी हटा दिया गया एक तरह से, लगातार ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है, या जो सफाई कर्मचारियों को जो काम करवाया जा रहा है वो मिनिमम 6-7 हज़ार रुपए दे के, जो इवन जो हमारा लेबर एक्ट है उसके तहत भी उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, ये तमाम सर्वे भी बताते हैं हमारे सामने। तो ऐसे में वो सफाई कर्मचारी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा सर, और उसको क्या करना चाहिए फिर समाज को, हमारे विद्यार्थी, ताकि आगे बढ़ पाए? कोई सुझाव सर दीजिए, क्योंकि आपका अनुभव है, बैंक का भी अनुभव आपका रहा है, और समाज में क्योंकि आप एक्टिव तरीके से काम करते हैं खासकर सफाई कर्मचारियों के बीच में, और तमाम पैनी दृष्टि आपकी रहती है चारों तरफ, तो सुझाव सर कुछ दीजिए ताकि हमारे जो युवा लोग हैं वो आपके सुझावों से लाभान्वित हो सर। जी, ऐसा है कि अब हमारे यहाँ आपको बताया 99.9% लोग जो हैं अभी उस मतलब कैपेबल नहीं है जो कि वो एफोर्ड कर, अब 0.1% आदमी जो बचे हुए हैं, तो उन्हीं से आशा की जा सकती है कि कुछ इस दिशा में अपना योगदान दें, और जो भी बच्चे हैं या तो अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए या उनको गाइड करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था या उसकी उसके खर्च को वो वहन कर रहे हैं, अगर कोई मेघावी छात्र है तो कोचिंग करना चाहता है या पढ़ना चाहता है उसको उसके खर्च को वहन कर रहे हैं, तो एक तो ये है, और दूसरा है कि अब हम लोगों को संगठित हो के समाज के, सरकार के सामने, प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसको एक एजेंडे के तहत प्रस्तुत करना होगा कि हमारा स्थिति ऐसी है, हम वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं जो कि जिससे कि हमारा मतलब कि जो वर्तमान सिचुएशन में जिससे नौकरी प्राप्त हो पाती या कहीं एडमिशन हो पाता है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें हम नहीं जा पाते हैं, तो हमारे लिए कुछ आप ऐसा उपाय सुझाइए जो कि हम जा सकें, कर सकें, तो यही है ये, या तो हम अपने स्तर से कुछ समाज को सेवा करें या सहायता करें या फिर सरकार से सहायता मांगें, ये दो ही बातें हैं, तभी हमारा समाज जो है कुछ तरक्की कर सकता है। सर आपको सुन के, हालांकि मैं खत्म ही कर रही थी बल्कि चर्चा ये, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है सर कि एजुकेशन लोन के ऊपर, क्योंकि आपका बैंक में अनुभव रहा है और हमारे तमाम लोग जो हम भी बच्चों को राय देते हैं जो विद्यार्थी हैं, अगर माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सकते तो वो लोन लेके पढ़ें, एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर जरूर आप बताएं। जी, एजुकेशन लोन बहुत ही हेल्पफुल है उस बच्चे के लिए जो सही मेघावी है, अगर वो अच्छा से पढ़ लिख लेता है तो उसके ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड में उनसे डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन जब वो कहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद तो उनसे
डिमांड किया जाता है, उसमें दोनों पिता या पुत्र या माँ पिता माता या पुत्र या पुत्री दोनों उसके को बरोबर होते हैं। तो जब सिचुएशन ऐसा हो जाता है, जब ये लोन मान लीजिए कि पढ़ लिख लिया और कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, वैसे केस में लड़का तो नहीं चुका पाएगा तो उनके माता पिता को चुकाना पड़ता है। तो अब सरकार के तरफ से कभी कभी बेघर का भी प्रोग्राम चलता है इस तरह से, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ब्याज भी कम लगता है इसमें और सपोर्ट होता है बैंक के तरफ से एजुकेशन लोन। बाद जब बच्चा समर्थ हो जाए तो ये लोन चुकाने का भी है। हाँ, उनको चुकाना है। जी जी, चुकाना है जी जी। चार साल पांच साल तक का जो भी कोर्स पीरियड रहता है वो मॉरेटोरियम पीरियड होता है जी जी। उसके बाद उनको उनके जॉब हो गया या किसी तरह से उसके बाद उनको चुकाना है, चाहे आप जॉब में रहें ना रहें, आप न चुकाएंगे तो जॉब में नहीं रहता विद्यार्थी। सर, मैं समझने के लिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि हमारे तमाम युवा लोग भी देख रहे हैं कार्यक्रम को, जो जॉब में रहते नहीं मिलती मान लीजिए जॉब एक कोर्स वर्क के बाद, और वो विद्यार्थी तो खुद ही बेरोजगार है, ऐसे में वो लोन कैसे चुका पाएगा सर? वैसे लोग हालत है उसको देखते हुए मैं कह रही हूँ सर। अभी तो कुछ कुछ सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो 100% उनका गारंटी ले लेती कि अगर आप चुका नहीं पाएंगे तो हम चुका देंगे। तो इस तरह से वो अच्छा है, अगर नहीं चुकाते हैं तो गवर्नमेंट उसका गारंटी लेती है और गवर्नमेंट चुकाती है। जिस तरह से अन्य लोग अन्य लोन को वेवर किया जाता है उसी तरह से इसका वेवर प्रोग्राम चलता है, वेवर किया जा सकता है। अब सरकार के नीति और इस पर प्रोग्राम पर निर्भर करता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी है, तमाम हमारे लोगों को भी ये जानकारियां पहुंचेंगी उन तक। तो उसके पहले सुझाव आपका आपका सर आप कोई सुझाव देना? उसके पहले मैं आपको आपके प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपने मुझे याद किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। थैंक सर। हमारे चैनल के लिए भी दो शब्द बोले सर, क्या इसकी आवश्यकता है? ये तो आपने ऐसा काम कर दिया है जो कि लोग सोचते रहते हैं और आपने वो कर दिया। ये प्रेरणादायक स्टेप्स है जो आपने किया है और समाज को बहुत लाभ हो रहा है। मैं भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम के क्लिप्स जो है सुने हैं, बहुत प्रेरणादायक, लोगों का आपका सिलेक्शन रहता है, हमको बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आने पर, आपसे मिलने पर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से आपको धन्यवाद। आपको भी जानकारी दी है सर, और खासकर ये तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे स्टूडेंट जो आगे बढ़ना चाहें या हायर एजुकेशन लेके बाहर भी पढ़ना चाहें, तमाम लोग जो इच्छुक हैं हमारे विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए, वो लोन ले सकते हैं और लोन के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करें, समर्थ हों और वो लोन चुकाएं। तमाम जानकारी आपने दी सर, ऐसे ही हम फिर अगली मुलाकात करेंगे किसी और शख्स के साथ स्वच्छकार समाज की आवाज में। मैं अंत में पूर्वी भारत के जो आदिवासी योद्धा हैं उनका आज 16 जून, कल 16 जून को नलिनी कांत बागची का बलिदान दिवस था। मैं ऐसे योद्धा को नमन करती हूँ, स्वच्छकार समाज के तमाम लोग आदिवासी योद्धा जो हमारे पूर्वी भारत के रहे हैं उनको नमन करते हैं। और आज की चर्चा पे सब ने चर्चा को सुना, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, हम बने रहेंगे ऐसे ही किसी और सक्सेस के बाद। आप हमारे लिए सर रोल मॉडल की तरह हैं, हमारे तमाम दर्शक हमारे युवा पीढ़ी आपसे योगदान ले रही है, और खासकर सबसे बड़ा जो प्रेरणादायक है वो ये कि हमारी माएँ काम करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को मैनेजर के पद तक पहुँचाती हैं। ऐसी मेरी तमाम माओं को, हमारे पिताओं को, हमारे पुरखों को मैं नमन करती हूँ। स्वच्छकार समाज हमेशा ऋणी रहेगा
जो आगे बढ़कर अपने बच्चों के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन देता है, यही एक सबसे बड़ा परिवर्तनकारी है। व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास भी होगा, ये हमारी अपनी सोच है कि अगर हम सफाई पेशे से पीछे हट के, जो मूल जो एक तरह से थोपा गया हमारा पेशा, उससे हट के जब हम दूसरे फील्ड में जाएंगे तो वही एक परिवर्तनगामी एक कार्य होता है हमारे लिए। उन्हीं शब्दों के साथ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर आपको, आप सब तमाम दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।